अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अलवीना और आप देख रहे हैं सबकी टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि समंदर कितना गहरा है और इसकी गहराई में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं और इंसान समंदर की गहराई में कहां तक जा सका है। सूरज की रोशनी समंदर में कहां तक जाती है, समंदर का पानी कड़वा क्यों है और समंदर इस पूरी दुनिया के आबी ज़खायर का कितना फीसद हिस्सा है। समंदर की दुनिया इंसान की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर हम इस दुनिया के सब पहाड़ और ऊंचाइयां इस समंदर में डाल दें तब भी समंदर की गहराई 2 से 2.5 किलोमीटर रहेगी। समंदर हमारी दुनिया का पुरेसरार तरीन हिस्सा है जिसका सिर्फ 5% हिस्सा दरियाफ्त किया जा सका है, बकिया 95% हिस्सा इंसान की आँख से ओझल है। एक आम इंसान बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के समंदर में ज्यादा से ज्यादा 300 फुट गहराई में जा सकता है। इससे ज्यादा गहराई में जाने की सूरत में इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है। आज तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इंसान 642 फीट तक समंदर की गहराई में गोता मार चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि समंदर की कौन सी मखलूक कितनी गहराई में जा सकती है और सूरज की रोशनी समंदर की गहराई में कहां तक जा सकती है। ब्लू वेल समंदर में 500 मीटर यानी 1500 फुट नीचे जा सकती है। पेंगुइन समंदर में 550 मीटर यानी 1650 फुट तक नीचे जा सकते हैं। स्पीड ये वो समंदरी मखलूक है जो समंदर की गहराई में 1000 मीटर यानी 3000 फुट तक जा सकती है। समंदरी कछुआ समंदर में 1250 मीटर यानी 3840 फुट तक जा सकता है। ब्लैक ड्रैगन फिश 2000 मीटर यानी 6000 फुट तक की गहराई में जा सकती है। क्लॉजिस्पिड ये एक खतरनाक समंदरी मखलूक है जो कि समंदर में 2250 मीटर यानी 6750 फुट तक की गहराई में पाई जाती है। सूरज की रोशनी समंदर में 1000 मीटर यानी 3000 फुट तक जा सकती है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी समंदर हैं वो सब के सब 3000 फुट से नीचे मुकम्मल अंधेरे में डूबे हुए हैं। '1912 में मशहूरे ज़माना टाइटैनिक जहाज डूब गया था। जिस कंपनी ने ये जहाज बनाया था उसने दावा किया था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस समंदरी जहाज को डुबो नहीं सकती, लेकिन एक आइसबर्ग से टकराने के बाद ये जहाज समंदर में डूब गया और इसका मलबा समंदर में 3800 मीटर यानी 11400 फुट नीचे गहराई में मौजूद है। हजार मीटर यानी 12000 फुट ये समंदर का वो हिस्सा है जहाँ पानी का दबाव 11000 पाउंड फी मुरब्बा इंच है और इतने शदीद दबाव होने के बावजूद समंदर की इस गहराई में कई अकसाम की समंदरी मखलूकात पाई जाती हैं। मीटर यानी 19500 फुट की गहराई उस आबदोज के हाथ दे जिसने 1985 में टाइटैनिक जहाज का मलबा ढूंढा था। 10888 मीटर यानी 32665 फुट ये वो आखिरी हद है जहां तक इंसान समंदर में गया है। और ये कारनामा 1960 में एक खसूसी आबदोज के जरिए सरंजाम दिया गया, लेकिन इस आबदोज की खिड़की का शीशा क्रैक होने की वजह से इस गहराई में सिर्फ 20 मिनट गुजार सके। हजार मीटर यानी 33000 फुट ये वो गहराई है जो आज तक इंसान के इल्म में आई है।
लेकिन अभी तक बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां तक इंसान रसाई हासिल नहीं कर सका। अब हम आपको बताते हैं कि समंदर का पानी कड़वा क्यों होता है। पूरी दुनिया में 97% पानी कड़वा है, सिर्फ 3% पानी मीठा है। समंदर का पानी अगर कड़वा नहीं होता तो बारिशें ना होती। समंदर के पानी का कड़वा होना ही बारिशों का सबब बनता है। समंदर का पानी नमक की कड़वाहट की वजह से बदबूदार नहीं होता। अगर समंदर का पानी मीठा होता तो पूरा समंदर बदबूदार होता। इसी नमक की कड़वाहट की वजह से एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बखारात बनकर हवा में शामिल हो जाता है और बारिशों की सूरत में वापस जमीन को सैराब करता है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपनी होस्ट अलवीना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।